खाला के घर आए हैं और देखिए उनका घर भी पहाड़ पे बना हुआ है और आप इर्द गिर्द ज़रा ये बारिश का मौसम देखें और बहुत ही अच्छा मौसम है, ठंडा बारिश अभी भी हो रही है हल्की हल्की सी। तो मैंने कहा कि ना आपके साथ शेयर किया जाए ये सीनरी और खूबसूरत मौसम, देखें ज़रा। ये देखिए चेरी का दरख्त और फुल ब्लूम पे है चेरी का दरख्त। तो जब भी हम गर्मियों में आते हैं तो इसमें ढेर सारी चेरीज होती हैं और जो खाने में भी काफ़ी अच्छी होती हैं, मीठी मीठी सी। तो ये देखिए अभी ब्लूम पे है, ये माल्टे का दरख्त आप देख सकते हैं। ये देखिए ये भी एक हर्बल प्लांट है और इसको हम दवाइयों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इसको खाते भी हैं। अभी तो इसमें फूल आए हैं लेकिन इसको दवाई किसकी जड़ों को इस्तेमाल करते हैं शुगर के मरज़ के लिए और बहुत सी बीमारियों के लिए। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल है, ये भी जंगली फूल, ये देखिए ज़रा। आपको बताऊंगी यहाँ पे बहुत ही जड़ी बूटियाँ दस्तियाब हैं, आपको वीडियो में बताती हूँ अभी। ये भी देखिए जड़ी बूटियाँ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सी बीमारियों के लिए, शुगर वगैरह के लिए, सारी इधर हम लेके जाते हैं। ये देखिए ज़रा पहाड़ों पे अभी मशरूम्स के दिन भी है, तो अभी दिखाते हैं मशरूम ज़रा है कि नहीं, तो आपको ले चलते हैं। अब आपको बताते हैं जड़ी बूटियों के बारे में और भी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इलाका है जहाँ पे आबो हवा भी अच्छी है और आपको बहुत सी जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं। तो बस ये आपको मालूमात देने के लिए है ये वीडियो, तो हम एंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ आपको मालूमात भी दूंगी। तो आप बस देखें आगे ज़रा, मशरूम्स वगैरह भी आएँगे अभी और बहुत सी एस्पैरेगस जो होती है ना यहाँ पर देसी एस्पैरेगस मिलते हैं, तो अभी दिन भी ऐसे हैं कि यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आपको उनके बारे में भी बताएंगे हम। ये देखिए आप, ये भी एक जड़ी बूटी है जो इसका आप ये फूल देख रहे हैं, ये वेट लॉस के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो उसको भी हम सुखा के और इसका पाउडर बना के यूज़ करते हैं। तो इसको हम तो पश्तो में पापड़ा बोलते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं इसको और क्या बोलते हैं। तो जैसे ये हो गया और इधर ये वाला, ये सारे हर्बल पौधे हैं जंगली। तो ये देखिए इधर भी, ये देखिए ये सारे इधर भी हैं। तो बस मेरे साथ रहें, आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। ये देखिए ये भी एक जड़ी बूटी है जिसे हम पश्तो में बूटी बोलते हैं और ये शुगर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद चीज़ है, पेट दर्द के लिए और इन सब चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, तो हम जब गर्मियाँ हो जाती हैं तो ये बहुत हर जगह आपको मिलेंगी। अभी तो खैर मौसम इतना यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हर जड़ी बूटी बहुत
अच्छी मकदार में फिर मिलती है आपको। तो यहाँ के जो मकामी हम लोग हैं यही चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और सेहत का ख्याल रखते हैं। साग वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल में लाते हैं खाने में, तो सारी अच्छी अच्छे ग़िज़ाएँ हैं और इसलिए तो सेहत भी अच्छी रहती है यहाँ पर लोगों की। और एक ये बस जगह भी देख ले तो यहाँ पे कौन ऐसा हो गया, तो ऐसे भी दिल ऐसे खुश हो जाता है और इंसान अच्छा महसूस करता है। तो यहाँ पर लोग ज़्यादा माशाल्लाह से सेहतमंद भी रहते हैं इसी वजह से। ये मेरी खाला का घर है और हम अपने कजन्स के साथ आए हैं। तो ये देखिए आप, ये एस्पेरेगस का पौधा है और ये इसको हम देसी एस्पेरेगस भी बोल सकते हैं जो बाहर होते हैं। तो बस मैं तो कहती हूँ उसको उठा के गमले में ले जाते हैं और उधर ही हम इसको लगा लेंगे तो पता करेंगे लगता है कि नहीं। ये देखिए इसका पौधा है। ये देखिए ये मशरूम है और ये जंगली मशरूम है जो जंगल में उगते हैं और ये नहायत ही नायाब चीज़ होती है जो दवाइयों में इस्तेमाल होती है और तकरीबन 30,000 तक इसका किलो बिकता है। तो जब बारिश होती है तो ये उगाते हैं इस तरह। तो ये जो सारे बच्चे होते हैं ये इनको फिर इकट्ठा करते हैं और लोग इनको बाजार में बेचते हैं। ये देखें, लेकिन ये हर जगह पे नहीं होते, इसको ढूंढने के लिए बहुत मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। तो आप चंद दाने आप मुश्किल से ढूंढ पाते हैं। तो आजकल बारिशों के दिन है और ये जो मशरूम है ये आजकल आ जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं और बहुत थोड़ी सी उसमें। तो ये देखें ज़रा,